So good morning all. So yesterday we learned about scope in JavaScript. So there are different type of scope like global scope, local scope or functional scope, then block scope. Right? इसके बाद नेस्टेड स्कोप, ये चार चीज हम पढ़ चुके थे. We have already learned about it, right? इसके अंदर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल गो फर्दर. इसमें वार कौन सा स्कोप सपोर्ट करता है, कौन सा सपोर्ट नहीं करता है, कोई बता सकता है? ग्लोबल स्कोप सर. ग्लोबल स्कोप. वार कौन सी स्कोप सपोर्ट करता है, कौन सा सपोर्ट नहीं करता है? ब्लॉक स्कोप सपोर्ट नहीं करता. यस, ब्लॉक स्कोप सपोर्ट नहीं करता, बट फंक्शनल स्कोप या लोकल स्कोप सपोर्ट करता है. फंक्शनल स्कोप सपोर्ट करता है. फंक्शन के अंदर मैं बाहर लिखता हूं तो ये यही स्कोप के अंदर लिमिटेड रहता, बाहर नहीं जा पाएगा वो. क्लियर? ये yes. फिर से ध्यान से देखो और प्रैक्टिस करो. ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसके ऊपर आप पहला क्वेश्चन कोई भी इंटरव्यू में पहले इसमें इसका ही क्वेश्चन आता है, स्कोप एंड होइस्टिंग के अंदर. होइस्टिंग बताया नहीं मैंने. ब्लॉक स्कोप में कोई भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ बंच ऑफ कोड रखूंगा तो उसको ब्लॉक स्कोप बोलते हैं. And there are also other block scope, like whenever you are writing some code inside if conditional statement or for loop, inside for loop also it is considered as block scope, right? But whenever you write some code inside the function or class to nahi bol sakte, function, then it is a functional scope, right? Then global scope means kisi ke andar nahi hai to ye global scope hai. Means global scope means it is under window object for browser. और ग्लोबल फॉर सर्वर इन Node.js, बट ग्लोबल दिस विच इज एक्सेसिबल फ्रॉम ब्राउजर एंड सर्वर बोथ. ओके, अभी नेस्टेड स्कोप भी बताया था. नेस्टेड स्कोप में क्या होता है, पहले आउटर स्कोप, फिर इनर स्कोप, फिर इसके अंदर का स्कोप. जो सबसे इनर स्कोप होता है, फ्रॉम इनर स्कोप वी कैन एक्सेस ऑल द आउटर स्कोप टिल ग्लोबल स्कोप. मीन्स यहाँ से चालू हुआ है सबसे इनर स्कोप है, देन आई कैन एक्सेस ये वाला जो है ब्लॉक स्कोप है. इसमें कोई डाउट है? तुम बार बार ऐसे हो तो वीडियो देखना चालू करो तो तुमको क्वेश्चन आएगा. तुम यहाँ पे कथा सुनने जैसा सुन के चले जाते हो, सत्यनारायण कथा, और फिर भूल जाते हो, राइट? ये ब्लॉक स्कोप है, ये फंक्शनल स्कोप है जो इसके ऊपर है, और सबसे बाहर जो है वो ग्लोबल स्कोप है, राइट? तो मैं इनर स्कोप से जितना भी आउटर स्कोप स्टिल ग्लोबल स्कोप तक मैं एक्सेस कर पाऊंगा, मतलब ये सबसे इनर स्कोप है, राइट? जब यहाँ पे कोई वेरिएबल मैं एक्सेस करूंगा तो आई कैन एक्सेस जितना भी पेरेंट स्कोप है वहां से मैं एक्सेस कर सकता हूँ, राइट? बट पेरेंट स्कोप में फ्रॉम चाइल्ड एक्सेस नहीं कर सकता. मैं समझिए लैंग्वेज यहाँ पे डिफाइन किया तो मैं फंक्शनल स्कोप के अंदर वो एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब ये ब्लॉक स्कोप के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, राइट? सेम मैंने ये फंक्शनल स्कोप के अंदर लिखा तो मैं ग्लोबल में एक्सेस नहीं कर सकता, बट जो ग्लोबल में है वो फंक्शनल स्कोप में भी एक्सेस हो सकता है, और इसके अंदर ब्लॉक स्कोप या और एक फंक्शनल स्कोप है तो कहीं भी अपने एक्सेस कर सकते हैं. इज इट क्लियर? ओके, देन आज पढ़ेंगे हम लेक्सिकल स्कोप. अभी लेक्सिकल स्कोप जानने से पहले और एक चीज जानते हैं अपने, लेट सी हाउ दिस कोड वर्क. सो ये कोड क्या काम करता है, आई हैव क्रिएटेड टू फंक्शंस, नेम्ड फंक्शंस, राइट? वन इज प्रिंट नंबर, अनदर इज लॉग, राइट? और मैं कॉल किसको करता हूँ, लॉग को ही खाली कॉल कर रहा हूँ, और लॉग फंक्शन के अंदर मैं प्रिंट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ. सो फंक्शन, नेम्ड फंक्शन मैंने पहले क्रिएट कर सकता हूँ और इसको कहीं पे भी कितनी बार कॉल करना है आई कैन एक्सेस इट, जैसे मैंने बताया था फंक्शन में, राइट? तो फंक्शन में यहाँ वॉइस ब्रेक हो रही है. दिस मीट सर, वॉइस लैग हो रही है आपकी. इज इट ऑडिबल नाउ? यस सर. यस सर.
ओके सो अभी यहाँ पे दो फंक्शन डिफाइन किया, पहला फंक्शन प्रिंट नंबर एंड दूसरा फंक्शन लॉग, एंड इनसाइड लॉग फंक्शन स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी। यस सर स्क्रीन ब्लैंक है। यस ओके नाउ इट्स विजिबल। ओके यस क्लियर। तो दो फंक्शन डिफाइन किया, सो प्रिंट नंबर एंड लॉग फंक्शन, एंड इनसाइड लॉग फंक्शन आई एम कॉलिंग प्रिंट फंक्शन। इसमें दो चीज आप नोटिस करना, यहाँ पे एक लेट नंबर करके आई जस्ट डिफाइन और इनिशियलाइज वन वेरिएबल कॉल्ड नंबर इनसाइड लॉग मेथड एज वेल एज इन ग्लोबल स्कोप, राइट। सो जब ये फंक्शन में कॉल करूंगा, सो what is this function, what does this function do, it will just print inside the log the number, print the variable number, right। to ye kaun sa number lega, whether it is going to take this number or this number and why the global, why the global, why? So because it is not accessible for that function। क्यों? बिकॉज ये फंक्शन तो इधर आई जस्ट कॉल दिस फंक्शन जस्ट आफ्टर दिस इनिशियलाइजेशन, सो व्हाई इट इज नॉट एक्सेसिबल? सो बिकॉज आप इस स्कोप में इसको डिफाइन किया और कॉल कर सर कॉल जब कर रहे हो सर, फिर वो अपने नंबर उस पैरामीटर के अकॉर्ड नहीं देख पा रहा, तो वो नेक्स्ट ग्लोबल पे जाएगा सर। बट ये तो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, तो सर वो इस ब्लॉक में डिफाइंड है ना सर, उस ब्लॉक के बाहर नहीं रहना है। तो मैं फंक्शन कॉल तो यही ब्लॉक के अंदर ही कर रहा हूँ ना। अगर फंक्शन कॉलर सर तो फिर वो फंक्शन उस वाले स्टेटमेंट चले गया, उस स्टेटमेंट पे उसको नंबर नामक कोई वेरिएबल दिख नहीं रहा है, तो वो फिर उसको लेगा, ग्लोबल को लेगा। नहीं ऐसा नहीं है, ये लेक्सिकल स्कोप बोलते हैं, मतलब स्टैटिक स्कोप। व्हाट डज इट मीन? जब स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक स्कोप किसको बोलते हैं? देखो मैं, आप बोल रहे हो कि इसको लेगा, मैं इसको बंद कर दूं तो क्या होगा? हाँ तो एरर दिखाएगा, क्या होगा? बताओ ना। हेलो यस सर, अभी क्या होगा आउटपुट? आप बोले वो यहां से लेगा वहां से नहीं लेगा, अब क्या आउटपुट देगा? नंबर इज नॉट डिफाइंड, राइट? यस सर। क्यों ऐसा क्यों हुआ? प्रिंट नंबर के अंदर जो कंसोल डॉट लॉग नंबर लिखा है वो नंबर इज नॉट डिफाइंड। ये नंबर नॉट डिफाइंड, बट व्हाई? फ्रॉम लाइन नंबर 3 इट विल थ्रो एन एरर सर, क्योंकि वो इनिशियलाइज ही नहीं हुआ है। इनिशियलाइज नहीं हुआ है, बट मैं जब फंक्शन कॉल कर रहा हूँ उसके ऊपर तो ये इनिशियलाइज किया हुआ है यहाँ पर, तो क्यों एरर आ रहा है? सर उसका जो मेन ब्लॉक है, उसका स्कोप है, उसके अंदर इनिशियलाइज नहीं किया इसलिए। नहीं, ड्यू टू लेक्सिकल स्कोप, जावास्क्रिप्ट सपोर्ट्स सम सी सी प्लस प्लस आल्सो सपोर्ट लेक्सिकल स्कोप। लेक्सिकल स्कोप मतलब क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो मेथड है ये जब कॉल होगा, रिमेम्बर जब ये मेथड कॉल होता है तब तो ये डिफाइन किया हुआ है तो ये आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा? बट नहीं आता है, कारण क्या है? लेक्सिकल स्कोप मीन्स जब जावास्क्रिप्ट ये कोड को कंपाइल करता है ना, जावास्क्रिप्ट इंजन, बिकॉज कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले कंपाइल होता है मशीन कोड में, मींस मशीन कोड में 0101 फॉर्मेट में, देन उसको कंप्यूटर की जो सीपीयू एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट। तो जब ये हम कंपाइल नहीं करते, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में हम कंपाइल करते हैं, कंट्रोल F9 कंट्रोल सी F9 यूज करते हैं स्पेशली, राइट, टू कंपाइल द कोड। बट यहाँ पे कंपाइलेशन हम नहीं करते, जावास्क्रिप्ट इंजन खुद करता है। तो कंपाइलेशन मतलब क्या है? ये जो जावास्क्रिप्ट फाइल जैसे उसको मिलता है तो उसको एग्जीक्यूट करता है, जैसे मैंने बताया था HTML पार्सिंग एंड जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूशन, राइट। तो ये जब एग्जीक्यूशन करता है इसका मतलब क्या है?
कंपाइल क्या करता है, कंपाइल का मतलब क्या है और एग्जीक्यूशन का रन टाइम जो एग्जीक्यूशन उसका मतलब क्या है। कंपाइलेशन का मतलब क्या है कि जितना भी लाइन ऑफ कोड है ना वो बैकग्राउंड नॉइज बहुत हो रहा है सर, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, सबको ऐसे सुनाई दे रहा है? नो सर, नो सर, नो सर, तो आपका ही कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, कंपाइल मतलब क्या है, आप रन टाइम का मतलब क्या है, कंपाइल का मतलब क्या, मैं क्लियरली समझा रहा हूँ। रन टाइम का मतलब क्या है, जब ये फंक्शन कॉल करूंगा मैं तब जाके ये इसका एग्जीक्यूशन चालू होता है, राइट, इसको रन टाइम एनवायरनमेंट बोलते हैं। इससे पहले ये इसको आपका जो प्रोग्राम काउंटर बोलते हैं वो टच भी नहीं करेगा। सेम जब इसको कॉल करूंगा इसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा, फिर इसके अंदर ये प्रिंट नंबर कॉल किया है तो जाके इसको ये ट्रिगर करेगा, राइट, तब तक ये कुछ नहीं करता है। बट कंपाइलेशन क्या है, कंपाइलेशन मतलब जितना भी स्टेटमेंट आपने लिखा हुआ है उसको जावास्क्रिप्ट कंपाइल करके मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। तुम कॉल कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो बात की बात, वो रन टाइम, वो एग्जीक्यूशन टाइम की बात है, राइट। तो ये लेक्सिकल स्कोप किसको बोलते हैं या स्टैटिक स्कोप भी कोई 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 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं, इसमें किसको बोलते हैं ना, कंपाइल टाइम में, बिकॉज कंपाइल पहले ये होगा, दिस लाइन ऑफ कोड विल बी कंपाइल फर्स्ट, देन दिस लाइन ऑफ कोड, देन दिस, राइट। ये कंपाइल होके 0101 फॉर्मेट में स्टोर हो गया, उसके बाद ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। एग्जीक्यूशन कब स्टार्ट होगा, ये डायरेक्ट फंक्शन डेफिनेशन तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये कहीं पे स्टोर होके होता पड़ा होगा। जैसे ये फंक्शन कॉलिंग अपने करेंगे तो जाके वन बाय वन वो ढूंढने जाएगा, यहाँ पर जाएगा फिर यहाँ पर जाएगा, ऐसा करेगा, राइट। तो उसको बोलते रन टाइम। तो रन टाइम में जब कॉल करूंगा, जब ये फंक्शन लॉग कॉल किया तो ये फंक्शन एग्जीक्यूशन होगा, ये फंक्शन जब एग्जीक्यूशन होगा तो उसको ये मिल जाना चाहिए, बट यहाँ पे इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि ये जब कंपाइल होता है ना, कंपाइल टाइम में ये इनिशियलाइज हो जाता है बाय डिफॉल्ट। समझ में आया, जब तुम कंपाइल करते हो ना तब ये वैल्यू ऑटोमेटिकली ऊपर से चेक करके आएगा, ऐसा कोई वेरिएबल है तो असाइन हो जाता है। और ये कंपाइल टाइम जो असाइनमेंट होता है वैल्यू, तो वो उसको क्या बोलते हैं, लेक्सिकल स्कोप। आप डेफिनेशन में भी देखोगे यहाँ पे मैं मेंशन किया हुआ है, लेक्सिकल स्कोप किसको बोलते हैं, लेक्सिकल स्कोप आल्सो नोन एज स्टैटिक स्कोप, लिटरली इट मींस दैट स्कोप डिटरमाइन एट द लेक्सिकल टाइम, मींस जनरली रेफर टू द कंपाइलिंग टाइम रादर देन रन टाइम। क्लियर, रन टाइम का मतलब क्या है, पहले कंपाइल हो गया और कहीं पे स्टोर हो, मतलब वो कॉल स्टैक के अंदर, कॉल स्टैक में बताऊंगा उसके अंदर कहीं पे स्टोर है, फिर वो एग्जीक्यूशन होगा, राइट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपाइल जब होगा ना तो उस टाइम में ही वैल्यू असाइन हो जाता है, कंपाइल टाइम, इसलिए इसको बोलते हैं स्टैटिक स्कोप। ये बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, सी सी प्लस प्लस आप ढूंढोगे ना लेक्सिकल स्कोप क्या है इंटरनेट में, तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेक्सिकल स्कोप को सपोर्ट करता है, इसके स्टैटिक स्कोप बोलते हैं। इसको आप कहीं पे भी कॉल करोगे, दिस फंक्शन प्रिंट यहाँ पे कॉल करो या यहाँ पे कॉल करो, कहीं पे भी कॉल करो आप, राइट, इसका आउटपुट क्या आएगा, सेम आएगा 42 एंड 42, कहीं पे भी कॉल कर सकते हो आप, किसी के अंदर कॉल करो बाहर कॉल करो वो सेम यही आउटपुट देगा। इसका मैंने इसके ऊपर कॉल करूँ तो भी सेम आउटपुट, क्लियर। लेक्सिकल स्कोप खाली कोई भी पूछता है तो आप ये बताओगे ये कंपाइल टाइम में इसमें वैल्यू या जो भी वेरिएबल यूज किया हुआ है वो ग्लोबल स्कोप से या उसके ऊपर डिफाइन किया होगा तो उससे गेट कर लेगा वो, राइट। समझ में, यहाँ पे डिफाइन किया नंबर इक्वल टू 43, देन ये 43 लेगा क्योंकि ये चेन में बताऊंगा स्कोप चेन, राइट। तो ये क्या करता है, जब ये एग्जीक्यूट होता होगा कंपाइल टाइम में, इस टाइम में क्या करेगा, इसका पहले लोकल स्कोप के अंदर जो पड़ा होगा ना सेम नंबर उसको पहले टारगेट करेगा, फिर यहाँ पे नहीं मिलता तो ग्लोबल स्कोप में ढूंढने जाएगा वो, उसके ऊपर जो होगा स्कोप, राइट। बट लेक्सिकल स्कोप एंड रन टाइम स्कोप और डायनामिक स्कोप भी बोलते हैं उसको, लेक्सिकल स्कोप को स्टैटिक स्कोप बोलते हैं और डायनामिक स्कोप किसको बोलते हैं, रन टाइम को, रन टाइम में जो स्कोप डिफाइन होता है उसको डायनामिक स्कोप भी बोलते हैं। तो इसके अंदर कोई इसमें कोई डाउट है आप लोगों को, लेक्सिकल स्कोप क्या है,
हेलो अभी स्कोप चेंज हो यहाँ पे बताया ना मैंने, जैसे लोकल स्कोप में नहीं पहले होगा तो इसको कंसीडर करता है, फिर वो ये स्कोप चेंज में ही आता है। जो स्कोप चेंज आपको बताता हूँ, स्कोप चेंज क्या है, व्हेन अ वेरिएबल इज यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट द जावास्क्रिप्ट इंजन विल ट्राई टू फाइंड दैट वेरिएबल वेरिएबल्स इन करंट स्कोप फर्स्ट। इफ इट कुड नॉट फाइंड इट इन द फाइंड द वेरिएबल इट विल लुक द आउटर स्कोप, मींस इसका पेरेंट स्कोप में इट विल फाइंड एंड कंटिन्यूली इट विल फाइंड दिस वेरिएबल टिल द ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप आने तक वो, जैसे मैंने पहले नहीं दिखाया था आपको कि पेरेंट स्कोप, फिर इसके अंदर फंक्शनल स्कोप, फिर ब्लॉक स्कोप, फिर इसके अंदर चाइल्ड स्कोप, जितने अंदर अंदर जाएगा उसका स्कोप की चिल्ड्रन बनते जाएगा, मतलब चिल्ड्रन तो नहीं बोलते टेक्निकली, इसके अंदर वाला इनर स्कोप बोलते हैं उसको, राइट। तो जैसे मैंने जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जैसे मैंने ये फंक्शन यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं, स्कोप चेन किसको बोलते हैं, जैसे मैंने ग्रीटिंग्स करके आई जस्ट डिक्लेयर वन इनिशियलाइज एंड डिक्लेयर इनिशियलाइज एंड वेरिएबल ग्रीटिंग्स इन द ग्लोबल स्कोप, देन इनसाइड फंक्शन ग्रीट आई हैव मेंशन वन अनदर फंक्शन व्हिच इज कॉल्ड अनदर वेरिएबल व्हिच इज कॉल्ड नेम व्हिच इज इनसाइड द ग्रीट स्कोप, मींस फंक्शनल स्कोप, इनसाइड फंक्शनल स्कोप। इसके बाद में और एक ब्लॉक स्कोप बनाया यहां पर which is completely outside the function but it is an another scope, block scope, right। तो ये क्या करेगा, पहले जो मैं नेम प्रिंट करता हूं, सपोज नेम यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी और एक नेम मैंने प्रिंट किया, let name equal to ck, तो पहले ये क्या प्रिंट करेगा, पीटर प्रिंट करेगा, ग्रीटिंग्स तो उसको बाहर से मिल रहा है तो ग्रीटिंग्स हेलो पीटर, बिकॉज ये लोकल स्कोप में उसको नेम मिल जाता तो ये हेलो पीटर प्रिंट करेगा पहले कंसोल में, हेलो पीटर, राइट। और ये नीचे जो ग्रीटिंग्स कहां से प्रिंट कर रहा है, ये हेलो वर्ल्ड, देखो यहाँ पे ग्रीटिंग्स खाली हेलो लिखा हुआ है बट यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, ये ब्लॉक स्कोप के अंदर मैंने प्रिंट करना चाहता हूँ, ये प्रिंट किया हूँ कंसोल, तो इट विल फर्स्ट चेक इन इट्स लोकल स्कोप, मतलब इसी के अंदर कहीं पे वो वेरिएबल है तो उसको पहले एक्सेस कर लेगा वो। तो जो सेकंड वाला कंसोल ग्रीटिंग्स, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है राधा देन हेलो। अभी इसको मैं कमेंट कर दूंगा तो क्या प्रिंट करेगा, ये ग्लोबल स्कोप से ट्राई करेगा लेने के लिए, देखो ग्लोबल स्कोप में खाली हेलो लिखा हुआ है, ये हेलो तो खाली यही प्रिंट हुआ, जैसे मैं इसको एनेबल कर दूंगा तो ये क्या करेगा, लोकल स्कोप से लिया और लोकल स्कोप में हेलो वर्ल्ड। तो इनिशियली क्या करता है कि उसका लोकल स्कोप में कोई भी वेरिएबल यहाँ पे मैंने सपोज प्रिंट करना एक्सेस करना चाहता हूँ, आई विल ट्राई टू एक्सेस एनी वेरिएबल फ्रॉम हियर, देन फर्स्ट इट विल चेक इन इट्स लोकल स्कोप, उसके लोकल स्कोप के अंदर है कि नहीं, इफ इट इज नॉट देयर देन इट विल स्टार्ट फाइंडिंग इन इट्स पेरेंट स्कोप, इफ इट इज ऑल्सो नॉट देयर देन इट विल फाइंड इन अनदर इन पेरेंट स्कोप एंड ग्रेजुअली इट विल continue finding till global scope reaches, clear, global scope तक पहुंचने तक वो ढूंढते ढूंढते जाएगा वो, है ना। सबद इसके अंदर मैं और एक प्रिंट करना चाहता हूँ, और एक ब्लॉक बनाया, इसके अंदर लिखा let greetings equal to क्या लिखूं यहाँ पे, सेकेंड इनर, राइट। और अगेन इसके अंदर और एक स्कोप बनाता हूं मैं, इसके अंदर लिखता हूं थर्ड इनर और ये कंसोल उसके अंदर प्रिंट करता हूं, दिख रहा है। तो मैंने एक बाहर का स्कोप है, इसके अंदर और एक इनर स्कोप है, इसके अंदर थर्ड लेयर में इनर स्कोप है, तो इसके अंदर कंसोल प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये क्या प्रिंट करेगा मुझे कोई बता सकता है, थर्ड इनर फर्स्ट वो थर्ड इनर प्रिंट करेगा, समझ में, ये थर्ड इनर यहाँ पे कमेंट कर दिया तो नहीं मिलेगा इसको, देन इट विल सर्च इन सेकेंड इनर, इसके पेरेंट स्कोप में ढूंढेगा, राइट।
फिर सेकंड में सपोज नहीं है देन इट विल ट्राई टू फाइंड इट फ्रॉम हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड इट इज आल्सो नॉट देयर देन इट विल फाइंड फ्रॉम ग्लोबल स्कोप ग्लोबल स्कोप हेलो क्लियर यस सर सो इसको बोलते हैं स्कोप चेन है स्कोप चेन राइट राइट सेम स्कोप चेन इज अलाउड ओवर हियर इन लेक्सिकल स्कोप एज वेल राइट बट लेक्सिकल स्कोप कंप्लीटली डिफरेंट स्कोप चेन उसमें भी अप्लाई होता है जैसे मैंने यहाँ पे ये कमेंट कर दूंगा ये नंबर यहाँ पे ये लोकल फंक्शन के अंदर लिख दूंगा तो इट विल टेक इट फ्रॉम लोकल फंक्शन इफ इट इज नॉट देयर देन इट विल फाइंड इट इन द पेरेंट स्कोप सो बोथ आर सिमिलर नो 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 बोथ आर नॉट सिमिलर मतलब ये स्कोप चेन विल एप्लीकेबल फॉर एवरी स्कोप एवरी एवरीवेयर ये लेक्सिकल स्कोप हो या नेस्टेड स्कोप हो या ब्लॉक स्कोप हाँ ब्लॉक स्कोप में भी ऐसे ही होता है राइट वो फंक्शनल स्कोप में हो या ब्लॉक स्कोप में हो कहीं पे भी हो वो फंक्शन के अंदर सपोज ब्लॉक स्कोप रखा उसके अंदर एक फंक्शन रखा तो भी वो अप्लाई होगा ब्लॉक चेन सॉरी स्कोप चेन राइट सो ब्लॉक स्कोप चेन इज क्लियर यस सर नेस्टेड स्कोप लेक्सिकल स्कोप एंड स्कोप चेन इज इट क्लियर स्कोप के ऊपर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी राइट अवे सर लेक्सिकल स्कोप एक बार और समझा दीजिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है स्कोप चेन और लेक्सिकल लेक्सिकल स्कोप सर एक बार और एक्सप्लेन करिए और बेसिक डिफरेंस स्कोप चेन तो स्कोप चेन लेक्सिकल स्कोप दोनों डिफरेंट है डोंट मिक्स ऑल ऑफ देम बोथ ऑफ देम राइट स्कोप चेन तो क्या है वो पहले करंट कोई वेरिएबल तुम एक्सेस करना चाहते हो पहले करंट स्कोप में चेक करता है जैसे स्कोप चेन मैंने क्या किया जैसे यहाँ पे रखा हुआ है स्कोप की चेन राइट ये इसके पेरेंट ये इसके पेरेंट ये इसका पेरेंट राइट एंड ऑफ कोर्स ये सबका पेरेंट कौन है ग्लोबल में जो डिफाइन किया हुआ है राइट राइट तो ये स्कोप चेन क्या है जब भी मैं ये प्रिंट करना चाहता हूँ तो जावास्क्रिप्ट एक्सेस करने की ट्राई करेगा ढूंढने की ट्राई करेगा ये वेरिएबल कहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है और इनिशियलाइज किया हुआ है राइट तो पहले वो लोग ये करंट स्कोप के अंदर ढूंढेगा कि यहाँ पे है क्या उसको मिल जाता है देन ये क्या करेगा प्रिंट कर देगा नहीं मिलता तो उसके पेरेंट स्कोप में ढूंढता तो इस तरह ढूंढते जाता है इसको बोलते हैं स्कोप चेन लुक लेक्सिकल स्कोप के साथ कोई लेना देना नहीं है लेक्सिकल स्कोप क्या है लेक्सिकल स्कोप में कोई भी वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कोई भी फंक्शन या वेरिएबल कुछ भी डिफाइन किया है मैंने यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पे एक मेथड डिफाइन किया मैंने राइट तो यहाँ पे भी जैसे मैंने ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ जैसे मैं ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ उसके ऊपर तो मैंने वेरिएबल का नाम दिया हुआ है ना yes, तो ये इसको एक्सेस क्यों नहीं करता क्योंकि ये फंक्शन ये जो वेरिएबल तब कॉल होता है कब कॉल होगा जब ये लॉग मेथड कॉल होगा तब जाके ये इसको एक्सेस करेगा यस और नो तो इसको इसको क्या बोलते हैं रन टाइम वेरिएबल रन टाइम जब ये रन करेंगे ये फंक्शन रन होगा तब जाके मुझे ये वेरिएबल मिलेगा फिर जाके ये वेरिएबल इनिशियलाइज होगा तो मुझे ये फिर मिल दे इसके अंदर फिर एक्सेस कर सकता हूँ राइट बट ये रन टाइम में नहीं मिल देता है ये कुछ मेथड्स जैसे यहाँ पर है ये फंक्शन जो है ना ये लेक्सिकल्स को सपोर्ट करता है व्हाट डज इट मीन जब ये कंपाइल होता है ना कंपाइल पता चलता है आपको क्या है कंपाइल में क्या है कि जितने लाइन ऑफ कोड आपने लिखा हुआ है ना ऐसा वन बाय वन कंपाइल उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है बाइनरी मतलब कंप्यूटर हमेशा समझता है जीरो एंड वन फॉर्मेट राइट तो तुम सी में जब प्रोग्रामिंग करते थे वो बिन फोल्डर बनता है पता है आपको वो क्या है बिन मतलब बाइनरी फोल्डर उसमें बाइनरी कोड होता है राइट और उसका हेडर फाइल्स कहाँ पे लिब के अंदर जाता था लाइब्रेरी करके तो जो बिन फोल्डर है तुम्हारा बाइनरी फोल्डर वो एक्चुअली मशीन अंडरस्टैंड करता है वो कोड को राइट यस सर क्लियर तो ये जब बाइनरी कोड कन्वर्ट होता है ना कंपाइलेशन के टाइम तो ये क्या करता है एक एक लाइन वो बाइनरी कोड कन्वर्ट करता है उस टाइम में ये जो वेरिएबल उसको मिलता है ग्लोबल स्कोप में यहाँ पे वो असाइन कर लेता है बाय डिफॉल्ट
इसको बोलते हैं स्टैटिक स्कोप, राइट? लेक्सिकल स्कोप और स्टैटिक स्कोप बोलते हैं। तो ये क्या कि जब भी मैं कहीं पे भी कॉल करूंगा ना, ये वैल्यू हमेशा यही प्रिंट करेगा। समझ में आया? 42 प्रिंट करेगा हमेशा। हाँ, 42 ही प्रिंट करेगा। सपोज इसके अगेन इसके अंदर सपोज ये ग्लोबल स्कोप में, लोकल स्कोप में सपोज ये प्रिंट कर दिया ये फंक्शन के अंदर, तो ये किसको लेगा? स्कोप चेन यहाँ पे भी अप्लाई होगा, राइट? Right. मतलब ये जब फंक्शन कॉल हो रहा है ना, कॉल हो रहा है उससे पहले ये वैल्यू असाइन हो जाता है। जब फंक्शन ये कंपाइल होता है ना, तब ये वैल्यू असाइन हो जाता है। इसका मतलब इसके ऊपर सपोज यहाँ पे भी और एक वैल्यू रखा हो आपने कि नहीं, इसमें तो नहीं, सेम स्कोप में लेट नहीं रख सकते। यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे भी रखा हुआ, तो ये 43 पहले, क्योंकि वो लोकल स्कोप के अंदर पहले वो वेरिएबल को फाइंड करेगा और असाइन कर लेगा। जैसे फंक्शन कॉल होता है तो कंट्रोल उस फंक्शन पे जाता है और वैल्यू चेक, वो रन टाइम होता है, वो रन टाइम है। अगेन मैं बता रहा हूँ, जो फंक्शन कॉलिंग के थ्रू जाता है तो उसको रन टाइम या डायनामिक स्कोप बोलते हैं। ये रन टाइम में नहीं होता, ये जब कंपाइल होता है ना, जैसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, तब ये जैसे एग्जीक्यूट होगा ना, तब ये नंबर की वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर लेगा जो जो रिसेंट स्कोप में होगा। अभी नीचे तक तो हम गए नहीं, हमको पता नहीं ये फंक्शन क्या है और ये कॉल क्या है, क्योंकि वो कंपाइल हो रहा है अभी। बट जब रन होता है तब ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा अनलेस अदरवाइज ये कॉल होता है। समझ में आया? अभी मैं ये कॉल करना बंद कर दूंगा तो कुछ भी वैल्यू प्रिंट होगा? नहीं होगा, तुमको नहीं दिखाएगा कोई भी वैल्यू। यहाँ पे दिखता है? कोई भी नहीं दिखता है। कुछ भी दिख रहा है? नहीं, क्योंकि ये रन टाइम है। तो रन टाइम में मैं इसको कॉल ही नहीं कर रहा हूं, तो ना ये कॉल हो रहा है ना ये भी कॉल हो रहा है, इसके अंदर ये कॉल नहीं हो रहा है, बट इसमें वैल्यू तो ऑलरेडी असाइन हो चुका है। क्लियर? कंपाइल टाइम में ये वैल्यू असाइन हो चुका, जब यहां तक ये कंपाइल होके आएगा ऊपर से, तो ये वैल्यू ऑलरेडी असाइन हो गया 42, और 42 नहीं तो ये 43, क्योंकि ये जस्ट इसके अंदर ही है, राइट? बट ये यहाँ तक तो पहुंचा नहीं अभी तक, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू असाइन हो जाता है कंपाइल करने के टाइम। कंपाइल कैसे होता है? ऊपर से नीचे तक एक एक स्टेटमेंट उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते जाता है, कंपाइल करते जाता है, तो उस टाइम में ये वैल्यू असाइन हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेटिक स्कोप। क्लियर अभी? क्लियर? ओके, अभी भी वायरलेस। देखो ये तो तब ये यहाँ पे रख दिया, स्टिल आपको क्या लगता है कि ये फंक्शन, ये तो ऊपर कॉल कर दिया मैंने, आप बोल रहे थे कि ये कंपाइल यहाँ से हो रहा था, राइट? बट ये क्या करता है, कंपाइल मतलब ये कॉलिंग करने जाएगा, बट करने से पहले एक और एक चीज मैं बताऊंगा, होइस्टिंग करके चीज, ये अभी समझ में नहीं आएगा तुमको, मैं बताऊंगा होइस्टिंग क्या होता है। जितना भी फंक्शन के डेफिनेशन, ये हमेशा टॉप में चला जाता है जावास्क्रिप्ट में, सो आई ये एक्सप्लेन करूंगा बाद में, ठीक है? अभी लेक्सिकल स्कोप समझ में आ गया या कोई डाउट है? यस सर, यस सर, ठीक है, ओके। अभी जाएंगे हम होइस्टिंग में, ये और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट में जो सबको कंफ्यूज करता है हमेशा। स्कोप के ऊपर कोई डाउट नहीं है, इतना मैं समझ गया हूँ, स्कोप के अंदर तुमको डाउट नहीं है, क्लियर? इसको बहुत प्रैक्टिस करना है तो आपको पता चलेगा कि कैसे होता है। अभी मैं एक मिक्स एग्जांपल प्रैक्टिस करूंगा, जब दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा। अभी होइस्टिंग क्या है, होइस्टिंग क्या है ना, होइस्टिंग रेफर टू द प्रोसेस वायर बाय द इंटरप्रिटर एफियर्स टू मूव द डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शंस वेरिएबल क्लासेस टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप प्रायर टू एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। एग्जीक्यूशन मतलब अगेन क्या है, रन टाइम एग्जीक्यूशन, कंपाइलेशन नहीं है, राइट?
तो जैसे जावास्क्रिप्ट रीड करेगा ना तुम्हारा जावास्क्रिप्ट को, सॉरी तुम्हारा जो कम जावास्क्रिप्ट इंजन, तब वो पहले से ही क्या करेगा, ऑल डिक्लेरेशन मतलब डिक्लेरेशन और डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन वेरिएबल और क्लास, उसको क्या करता है टॉप में ले जाता है ऑटोमेटिक वर्चुअली। जैसे मैं बताता हूँ कैसे होता है, ये फिर ये एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। ये देख लेते हैं आपने, अब ये भूल जाओ, ये ऊपर वाला सब कमेंट कर देता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। अब देखो होइस्टिंग वेरिएबल का और फंक्शन का कैसे होता है मैं बताता हूँ। जैसे ये फंक्शन मैंने यहाँ पर कॉल किया, ये रिटर्न के जगह में कंसोल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, राइट। मतलब यहीं पे प्रिंट कर देता हूँ मैं, ओके। और यहाँ पे खाली फंक्शन का कॉल रखता हूँ, फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। अब मैं क्या किया, फंक्शन यहाँ पे एक डिफाइन किया और उसको यहाँ पे नीचे कॉल किया, एज दिस फंक्शन एक्सपेक्ट टू पैरामीटर्स, सो यू आर पासिंग टू आर्गुमेंट्स ओवर हियर, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर और आर्गुमेंट, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर और नॉर्मल, खाली पैरामीटर भी बोलते हैं इसको, राइट। तो एज इट एक्सपेक्ट टू पैरामीटर, सो यू आर पासिंग टू आर्गुमेंट्स ओवर हियर एंड इट प्रिंट द रिजल्ट ऑफ समेशन ऑफ टू वैल्यू। तो ये फंक्शन में यहाँ पे डिफाइन किया, उसके बाद कॉल किया, जो नॉर्मली क्या होता है, कभी कोई फंक्शन को डिफाइन करते उसके बाद जाके कॉल किया जाता है, नॉर्मली ऐसे ही होता है ना, समझ। आप पहले कॉल कर दोगे बाद में कोई फंक्शन को डिफाइन करोगे तो वो तो एरर दिखाएगा, है ना। बट यहाँ पे ये आउटपुट देख लेते एक बार, इसमें प्रॉपरली काम कर रहा है, 3 + 4 = 7, तो यहाँ पे 7 प्रिंट कर रहा है, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर ले लेता हूँ कंट्रोल एक्स, ये डिफाइन करने से पहले मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी वो आउटपुट सही देता है, देखो कोई इश्यू नहीं है। कैसे होता है ना, ये ड्यू टू होइस्टिंग। होइस्टिंग क्या है, होइस्टिंग मीन्स एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन जितना भी वेरिएबल डिक्लेरेशन, और वो वेरिएबल डिक्लेरेशन के ऊपर पीछे जाऊंगा, पहले ये फंक्शन जितना भी डिक्लेयर किया हुआ है, पहले फंक्शन देखेंगे फिर क्लास देखेंगे, फिर क्लास तो अभी पढ़ा है नहीं इसलिए क्लास को अभी नहीं करेंगे, फंक्शन एंड वेरिएबल्स को हम होइस्टिंग के ऊपर कंपेयर, होइस्टिंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं, पहले फंक्शन का देखते हैं। तो फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, बिफोर डिफाइनिंग आई एम कॉलिंग दैट फंक्शन, रिमेम्बर, बट स्टिल इट इज वर्किंग बिकॉज जावास्क्रिप्ट का ये एक फीचर है होइस्टिंग। व्हाट इट डज, बिफोर एग्जीक्यूटिंग योर जावास्क्रिप्ट, बिफोर एग्जीक्यूटिंग योर जावास्क्रिप्ट, ऑल द डेफिनेशन और डिक्लेरेशन इज गो टू द टॉप। वर्चुअली ये अंदर अंदर क्या करता है, जितना भी ऐसे फंक्शन डिक्लेरेशन है उसको ऐसे टॉप में ले जाता है, ऐसे अंदर अंदर चला जाता है, इट विल नॉट विजिबल टू अस, बट ये ऐसे ऊपर चला ही जाता है, उसको बोलते हैं होइस्टिंग। तो डेफिनेशन अगेन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है होइस्टिंग का, जावास्क्रिप्ट होस्टिंग रेफर टू द प्रोसेस वेयर बाय द इंटरप्रेटर क्या करता है, अपीयर टू मूव ऑल द डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शंस वेरिएबल एंड क्लासेस, जितना भी डिक्लेरेशन है फंक्शन का वेरिएबल का और क्लासेस का, वो क्या करता है, इट अपीयर टू मूव टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप, मतलब ये फाइल के अंदर सबसे ऊपर चला जाता है ये, ऐसा वर्चुअली, राइट। तो इसको बोलते होइस्टिंग। तो ये क्या करेगा, अभी मैं ये इम्प्लिसिटली क्या होता है, ये ऊपर चला जाता है तो मुझे कोई एरर नहीं दिखाता है, क्लियर। इसमें कोई डाउट है अभी? नो सर। सर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, होस्टिंग इज जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ मूविंग डिक्लेरेशन टू द टॉप, सेम चीज है ना, सेम चीज लिखा हुआ है। यस सर, मींस थोड़ा इजी वे में अगर आप समझ जाओ और आपके हिसाब से आप लिख सकते हो, बता सकते हो, दैट इज ओके, बट कुछ बता नहीं सकते हो इसलिए मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ हूँ,
क्लियर? ओके यस सर। अभी फंक्शन एज ए डिक्लेरेशन, यहाँ पे फंक्शन एज ए, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन एज ए स्टेटमेंट, ये ऊपर जो लिखा हुआ है इसको फंक्शन एज ए स्टेटमेंट बोलते, राइट? और इसको बोलते फंक्शन एज एन एक्सप्रेशन। अभी एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट के बीच डिफरेंस क्या है? एक वेरिएबल के अंदर अगर डाल देते फंक्शन को तो वो एक्सप्रेशन है, और डायरेक्टली यूज कर बोलते हैं। कोई भी चीज को असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू कोई वेरिएबल में स्टोर करते तो उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। लेफ्ट साइड में वेरिएबल होता है, राइट साइड में कोई भी वैल्यू होता है उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, राइट? स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? जैसे ये फंक्शन इज एज आई एम डिफाइनिंग दिस फंक्शन एज ए स्टेटमेंट। इफ लिखते इफ इज ए स्टेटमेंट, राइट? फॉर इज ए स्टेटमेंट, दिस इज स्टेटमेंट, बिकॉज फॉर लूप या इफ में तुम कुछ असाइन कोई वैल्यू स्टोर नहीं करते हो, राइट? यस सर, यस। ये इटसेल्फ ए स्टेटमेंट, राइट? सो ये जो फंक्शन डिफाइन किया था इसको फंक्शन एज ए स्टेटमेंट बोलते, और इसको बोलते फंक्शन एज एन एक्सप्रेशन, बिकॉज आई एम स्टोरिंग दिस फंक्शन इन एन वेरिएबल। सो फंक्शन जब एज ए एक्सप्रेशन में यहाँ पे स्टोर करता हूँ तो क्या होगा, ये होइस्टिंग नहीं होगा यहाँ पे। रिमेम्बर, if I am commenting this one, okay, if I am commenting this one, remember, and I am calling this one before I am declaring this or defining this, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये error देता है। क्या देता है? add is not initialization, add is access, cannot access add before initialization। ये क्या बोलता है, तुम initialize नहीं किए फिर उससे पहले तुम call कर रहे हो, right? तो function as a expression जब होगा वो hoisting नहीं होता है, remember, clear? function yes, as a statement, अभी ये function में ही focus करना, variable भूल जाओ अभी। तो function as a expression will not hoisted, remember, राइट? हम एक वेरिएबल में फंक्शन को ही स्टोर कर दिया, और इसको डिफरेंट, इसको एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। मैं फंक्शन की जो डिटेल सेशन होगा उसमें बताऊंगा, अभी फोकस करेंगे हम होइस्टिंग के ऊपर। होइस्टिंग में फंक्शन एज ए स्टेटमेंट होइस्टेड होता है, इट विल बी होइस्टेड, बट फंक्शन एज एक्सप्रेशन विल नॉट होइस्ट। रिमेंबर, इफ यू वॉन्ट टू एक्सेस इट बिफोर डिक्लेयरिंग देन इट विल थ्रो एन एरर। नाउ कोई डाउट है इसमें? अभी सपोज मैं उसको ऊपर ले जाऊंगा, यहां से कट कर दिया और इसके ऊपर में यहाँ पे प्रिंट डिफाइन कर दिया, पहले डिक्लेयर कर दिया, देन इट विल वर्क एज इट वाज बिफोर, राइट? सो जहां पे फंक्शन एज एक्सप्रेशन और फंक्शन एज ए स्टेटमेंट आप डिफाइन कर रहे हो, मेक श्योर इसका सीक्वेंस सही होना चाहिए। फंक्शन एज एक्सप्रेशन जब भी यूज करो, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करने वाले हैं, so make sure whenever you are defining this function or declaring this function, it should be always before you are calling, or at the top of the file before you are calling, or above the code where you are calling। ye call karne se pehle tumko pehle declare karna padta hai। now is it clear? function as a statement kisko bolte hai, function as an expression किसको बोलते हैं, is it clear? yes sir। अभी function as a statement hoisting कैसे होता है पता चल गया, तो आप पहले सोचते होंगे यार मैंने सर define तो नीचे किया फिर भी ये ऊपर कैसे हो जाता है। C++ में जब main function declare करते हो फिर उसके अंदर में कोई other function को call करते हो C++ में, but उसका definition तुम नीचे लिखते हो, if you are remember, if you remember लिखते हो ना, yes। पहले मेन फंक्शन लिखते हो, उसके अंदर फंक्शन की नाम कॉल कर देते हो, बट उसका डेफिनेशन नीचे करते हो, लिखते हो ना, यस सर। फिर भी ये कैसे काम करता है, ओनली बिकॉज ऑफ ये होइस्टिंग, बट वहां पे कुछ और बोलते, बट यहाँ पे इसको बोलते होइस्टिंग। इज इट क्लियर? यस सर, इट इज क्लियर। अभी फंक्शन का होइस्टिंग आपको समझ में आ गया, नाउ वेरिएबल के ऊपर चलते, ओके? फंक्शन एक्सप्रेशन डज नॉट सपोर्ट होस्टिंग, फंक्शन स्टेटमेंट सपोर्ट, राइट? यस, क्यों सपोर्ट नहीं करता होस्टिंग में बताऊंगा, क्योंकि ये स्पेशली है क्या, एक तो वेरिएबल ही है,
राइट, जब वेरिएबल बताऊंगा तो तुमको समझ में आ जाएगा। अब ये फंक्शन भूल जाओ तुम, डिलीट मार दिया अभी के लिए, डिलीट नहीं मारा अभी के लिए, कमेंट कर दिया, मैं बताऊंगा फिर। ओके, अभी वेरिएबल डिक्लेरेशन का कितना तरीका है कौन बता सकता है? लेट बार कॉन्स्ट, लेट बार एंड कॉन्स्ट, कॉन्स्ट यूज फॉर कॉन्स्टेंट, लेट यूज फॉर वेरिएबल, लेट एंड बार यूज फॉर वेरिएबल। तो कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल के बीच डिफरेंस क्या है, अगेन मैं बता रहा हूँ, कॉन्स्टेंट में हम दूसरा वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, बट लेट और बार वेरिएबल में हम दूसरा वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे ये रिजल्ट इक्वल टू जीरो, इसके नीचे रिजल्ट इक्वल टू 10 में लिख सकता हूँ, बट डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, वो मैं अगेन बताऊंगा। अब ये काम करेगा 12, राइट, बट इसके अंदर मैं करना चाहूंगा यहाँ पे कॉन्स्ट इक्वल टू 120, इट विल थ्रो एन एरर सेट। सो ये एरर थ्रो करेगा, कौन सी लाइन नंबर 6, सो लुक एट द लाइन नंबर 6, इट विल थ्रो एन एरर। क्या है एरर? असाइनमेंट टू द कॉन्स्टेंट वेरिएबल, ये कॉन्स्टेंट टाइप के जो वेरिएबल, इसमें दूसरी बार असाइन नहीं कर सकते हम वैल्यू, राइट तो ये क्लियर है। अब होइस्टिंग के ऊपर आते हैं हम, ओके अभी एक चीज, अभी स्कोप अपने समझ गए, स्कोप कितने टाइप का है? 3-4 टाइप, ब्लॉक स्कोप बेसिकली 3 टाइप है, फंक्शनल स्कोप, बेसिक स्कोप 3 है, एक ग्लोबल स्कोप और एक फंक्शनल स्कोप, ब्लॉक स्कोप, राइट। तो ब्लॉक स्कोप के अंदर क्या क्या जाता है, कोई भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते तो उसको ब्लॉक स्कोप बोलते हैं। आइदर ये इफ होगा, इफ स्टेटमेंट हो सकता है, फॉर लूप हो सकता है, और खाली कर्ली ब्रेसेस हो सकता है, उसको ब्लॉक स्कोप बोलते हैं, रिमेम्बर। और फंक्शन जहां पे तुम लिखते हो तो उसके अंदर का स्कोप को बोलते हैं फंक्शनल स्कोप, क्लियर। और ग्लोबल स्कोप तो जिस जो किसी के अंदर नहीं है, बाहर है, वो ग्लोबल स्कोप है, क्लियर। अभी ये 3 स्कोप में कैसे ये बार लेट कॉन्स्ट गेम खेलते देखो। अभी हम लेट को कंसीडर करते हैं, जो वेरिएबल डिक्लेयर विथ लेट वो क्या क्या सपोर्ट करता है, क्या सपोर्ट नहीं करता है, राइट। क्या सपोर्ट मतलब स्कोप एंड होइस्टिंग दोनों साथ में यहाँ पे काम करेगा, रिमेम्बर। स्कोप मैंने समझा दिया, लेट क्या सपोर्ट करता है, फंक्शनल स्कोप भी सपोर्ट करता है, ब्लॉक स्कोप भी सपोर्ट करता है, बट वार ब्लॉक स्कोप सपोर्ट नहीं करता है, क्या करता है वो, ओनली फंक्शनल स्कोप सपोर्ट, ओनली ग्लोबल एंड ग्लोबल तो सब लोग सपोर्ट करते हैं, ग्लोबल तो कोई स्कोप मतलब वो बाहर ही रहता है, जब एनक्लोज करते हैं उसको, जो कोई लोकल या फंक्शनल स्कोप होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ फंक्शनल स्कोप या ब्लॉक स्कोप के अंदर कौन सपोर्ट करता है कौन नहीं करता है ना, वार ब्लॉक स्कोप सपोर्ट नहीं करता है, तो नहीं करता है तो क्या करता है वो, अभी देखो। अभी जैसे इसके अंदर मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, अब इसको भूल जाओ, पहले हम वार लेते, लेट भूल जाते, लेट एंड कॉन्स्ट भूल जाते, राइट। पहले मैं क्या किया, वार किया यहाँ पे, और यहाँ पे फंक्शन भी एनेबल कर दिया मैंने, और इसके अंदर क्या किया मैंने, वार किया, ओके। और मैं यहाँ पे प्रिंट किया, अब देखो, अब फंक्शन बाद में देखेंगे, अगेन अपने बार का बार के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे, और ये फंक्शन भी कॉल कर रहे, और ये नॉर्मल रिजल्ट जो है वेरिएबल उसको भी हम एक्सेस करने की ट्राई कर रहे। तो पहले एक रिजल्ट करके वेरिएबल में किसके अंदर रखा हुआ हूँ, ब्लॉक स्कोप के अंदर रखा हूँ, इफ के अंदर जो भी रहता है वो ब्लॉक स्कोप बोलते हैं, राइट। और एक रिजल्ट जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो भी वेरिएबल है, बट ये कहाँ पे, फंक्शनल स्कोप के अंदर। दोनों को मैंने वार करके डिफाइन किया है, सो व्हाट डज इट मीन, तो ये जो स्कोप है, ये जो वार लिखा हुआ है मैंने ब्लॉक स्कोप के अंदर, ये वार ब्लॉक स्कोप सपोर्ट नहीं करता, व्हाट डज इट मीन, ना ये ऐसे कहाँ पे ये क्या करेगा, ये स्कोप के अंदर नहीं रहेगा और ये ग्लोबल स्कोप में एक्सपोज हो जाएगा, मतलब ये वर्चुअली क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, क्योंकि उसका ये जो बाउंड्री है ये मानता नहीं है, क्लियर। तो ये इनिशियली क्या होगा, ग्लोबल स्कोप में प्रिवेल होगा, अवेलेबल हो जाएगा, क्लियर।
राइट, बट जब वार में इस फंक्शनल स्कोप के अंदर रखूंगा तो ये बाहर नहीं जाएगा, रिमेम्बर, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन, ये वाला फंक्शन कॉल करूंगा तो ये जो रिजल्ट है ये कहाँ पे बाहर मिलेगा? नहीं मिलेगा। नो सर। राइट, मैं यहाँ पे कंसोल कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और इसको नॉर्मल कॉल फंक्शन कॉलिंग करता हूँ। अब जैसे ये फंक्शन कॉल करूंगा तो मुझे ये रिजल्ट बाहर एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। अभी ये रिजल्ट में क्या है, 7 है, राइट, बट ये जो वेरिएबल इसमें क्या है, 10 है, 10. और ये ब्लॉक स्कोप के अंदर रखा, स्टील में बाहर एक्सेस कर सकता हूँ ग्लोबल स्कोप में। देखो 7 और 10, इसमें क्या प्रिंट हो रहा है, ये जब कॉल किया मैंने 7 प्रिंट हुआ क्योंकि यहाँ पे 3 + 4 = 7, ये जब कॉल करूंगा, जैसे ये कॉल हो रहा है तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, ये 10 प्रिंट कर रहा है, बट ये क्यों 10 प्रिंट कर रहा है, क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप में एक्सपोज हो गया, क्योंकि मैं ब्लॉक स्कोप बार सपोर्ट नहीं करता। अभी बार के अंदर समझ में आ गया आपको, बार फंक्शनल के स्कोप के अंदर रखूंगा तो ये बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, तो ये सपोज बाहर एक्सेस हो सकता था तो इसको ओवरराइड नहीं कर देता, वो ये 10 को ओवरराइड करके 7 कर देता, ये या 7 को ओवरराइड करके 10 कर देता, जो ये पहले कॉल हुआ फिर दूसरी बार ये कॉल होगा तब तो ये 7 हो जाना चाहिए, क्योंकि पहले यहाँ 10 था, फिर जैसे ये एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या करना चाहिए, वो वेरिएबल के ऊपर ओवरराइड हो जाना चाहिए। यस और नो? यस सर, बट वो नहीं करता है बिकॉज ऑफ फंक्शनल स्कोप सपोर्ट वार सपोर्ट फंक्शनल स्कोप, ये बाहर नहीं जा सकता। अब मैं इसको सपोज लेट करूंगा, लेट क्या करता है, दोनों सपोर्ट करता है ना, वो ब्लॉक स्कोप के बाहर जाता है ना ग्लोबल स्कोप के अंदर बाहर जाता है, सॉरी ये फंक्शनल स्कोप के अंदर बाहर जाता है, वो दोनों में कोई भी ब्लॉक के अंदर लेट रख दोगे तो उसी के अंदर ही वो रहता है। अभी मैं बाहर ये रिजल्ट एक्सेस करना चाहूंगा तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये इसी स्कोप के अंदर है, मैं इसी के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ, बाहर नहीं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। लेट तो इसी के अंदर ही मैं प्रिंट कर रहा हूँ इसलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं जब रिजल्ट ये वाला रिजल्ट को एक्सेस करना चाहूंगा यहाँ पर आई कैनॉट एक्सेस इट, राइट। ये फंक्शन में यहाँ पर कॉल किया तो ये प्रिंट होगा क्योंकि ये रिजल्ट जो है ये 80 के अंदर ही है, बट यहाँ पे मैं जब रिजल्ट प्रिंट कर रहा हूँ ये कोई भी ग्लोबल स्कोप में मैंने कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया हुआ है, ये क्योंकि ब्लॉक स्कोप के अंदर ये बाहर एक्सेस नहीं कर सकता ग्लोबल में। अब क्या करेगा, ये एरर देता है, ये वाला कंसोल प्रिंट हो गया लाइन नंबर 11 में, लाइन नंबर 19 में क्या हुआ, एरर आया, क्या है, रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, क्यों, बिकॉज क्योंकि सपोर्ट करता है लेट, बिकॉज लेट ब्लॉक स्कोप सपोर्ट ब्लॉक स्कोप एंड फंक्शनल स्कोप, सो ब्लॉक स्कोप के अंदर रखा तो वो ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, तो मैं जब इसको लेके ये इफ आई वांट टू कॉल दिस और प्रिंट, आई विल ट्राई टू प्रिंट दिस इनसाइड दिस लोकल स्कोप, इट विल वर्क 10 एंड 7, राइट, सबको क्लियर है? यस सर। स्कोप के बारे में तो क्लियर है। अब होइस्टिंग जो वार किया मैंने तो ये क्या कि ग्लोबल स्कोप में एक्सपोज हो गया, हाँ, इसके जो भी डिक्लेरेशन है ना वार का, ये होइस्टिंग के कंसेप्ट में बता रहा हूँ, अभी स्कोप के कंसेप्ट में वार लेट क्लियर है जो पहले भी बताया था मैंने, अब होइस्टिंग के बारे में बता रहा हूँ सर, इसमें कॉन्स्ट भी, कॉन्स्ट और लेट दोनों सेम टाइप में काम करते हैं, हाँ, ब्लॉक स्कोप एंड फंक्शनल स्कोप दोनों सपोर्ट करते हैं, राइट, वार में खाली ब्लॉक स्कोप सपोर्ट नहीं करता बाकी फंक्शनल स्कोप सपोर्ट करता है, इसमें कोई डाउट है अभी तक सर? है नहीं? नो सर। लेट लेट का स्कोप और वार का स्कोप समझ में आ गया, अभी होइस्टिंग के बारे में बताऊंगा लेट एंड वार एंड कॉन्स्ट का। अभी सिंपली बोलने जाऊं जो कोई भी वेरिएबल में वार में डिफाइन करूंगा, यहाँ पे वार सपोज रिजल्ट यहाँ पे लिखा रिजल्ट इक्वल टू 10 एंड इसको मैं यहाँ पे डिक्लेयर किया, बाकी सब मैं सपोज बंद कर दिया, ये भूल जाओ, ये भी रहने दो, राइट,
अभी ये इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ये सब को, ये फंक्शन तो ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिक्लेयर किया उसके ऊपर मैं इसको प्रिंट करने की ट्राई करूंगा तो क्या होगा, एरर दिखाएगा राइट। क्या करेगा ये, प्रिंट करेगा कि नहीं? बार को मैंने डिक्लेरेशन करने से पहले कॉल कर रहा हूं जैसे फंक्शन को कर रहा था राइट, तो ये क्या आउटपुट देगा, ये एरर दिखाएगा? नहीं, अनडिफाइंड दिखाया, अनडिफाइंड। तो वार इन फ्रॉम द प्रस्पेक्टिव ऑफ होस्टिंग, वार क्या करता है, जब कोई भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन तुम वार के थ्रू कर रहे हो तो वो सेम स्कोप के अंदर या जो भी सपोज वो फंक्शनल स्कोप के अंदर है तो बाहर नहीं जा पाएगा, बट सेम स्कोप के अंदर जो भी स्कोप में है तो वो क्या करता है, वो टॉप में चला जाता है, होइस्टिंग हो जाता है। बट क्या होइस्टेड होता है, उसका डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन नहीं। यहाँ पे क्या किया मैंने, डिक्लेरेशन भी किया इनिशियलाइजेशन भी किया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिक्लेरेशन जो वार इक्वल टू रिजल्ट, ये वर्चुअली क्या करता है, ये टॉप में चला जाता है ऐसा, बट इसका इनिशियलाइजेशन नहीं जाता, रिमेम्बर। yes, देखो अभी ये ऐसे हो जाता है, इसका डिक्लेरेशन ऊपर चला जाता है, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों अलग चीज है, समझ में आया ना। तो वार करके कोई भी फंक्शन कोई भी वेरिएबल तुम डिफाइन करते हो तो वो सेम स्कोप के अंदर वो टॉप में चला जाता है। मैं क्यों सेम स्कोप बोला, अभी ये ग्लोबल स्कोप में है राइट, सेम मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, यहाँ पे सपोज बार, यहाँ पे वार इक्वल टू रिजल्ट ए प्लस बी, बट वो रिजल्ट होने से पहले सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे भी क्या दिखाएगा, अनडिफाइंड, दोनों अनडिफाइंड दिखा रहे, क्योंकि ये क्या रिजल्ट पहले प्रिंट करने की ट्राई करता हूँ बट ये एक्चुअली असाइनमेंट और इनिशियलाइजेशन तो बाद में हो रहा है राइट, बट ये हाँ अनडिफाइंड दिखाता है। सो अनडिफाइंड क्या है, जब कोई वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया हुआ है बट कोई वैल्यू असाइन नहीं किया हुआ है तब अनडिफाइंड दिखाता है। इसका मतलब क्या है, ये बोले डिफाइन डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों बाद में हो रहा है, बट जावास्क्रिप्ट क्या करता है, होइस्टिंग कर देता है, उसका डिक्लेरेशन टॉप में ले चला जाता है, कहाँ पे जाता है, इसके अंदर ही रहता है क्योंकि ये फंक्शनल स्कोप के अंदर है, बट यही सेम स्कोप के अंदर ये टॉप में चला जाता है, मतलब उसका डिक्लेरेशन इनिशियली क्या होता है ना, वार रिजल्ट, वार रिजल्ट करके ऐसे पहले डिक्लेयर हो जाता है, इसका डिक्लेरेशन ऊपर में चला जाता है, तो जब कोई वैल्यू असाइन नहीं होता तो इसको कंसोल करते तो क्या मिलेगा, अनडिफाइंड, जो भी यहाँ मिलता है। क्लियर? यस सर। फिर वैल्यू असाइन करना हो तो वो कैसे करेंगे, जैसे डिक्लेरेशन कर दिया, ये तो कर सकते हैं ना, ये जैसे यहाँ किया हुआ ऐसे करने का, बट वो ऊपर करने का तो ही मिलेगा आपको। तो वार करके कोई भी वेरिएबल तुम इनिशियलाइजेशन तो ऐसे ही कर रहे हो ना यहाँ पे, तो ये समझ ऊपर रख दूंगा, मुझे मैं इसको ऊपर रख दूंगा तो काम करेगा ही ना, क्यों नहीं करेगा। देखो 10 मिल रहा है मुझे और सेम इसको मैंने सपोज इसको नीचे ले लूंगा रिजल्ट के नीचे तो काम तो करेगा ही ना। दोनों काम कर रहे हैं राइट, बट सपोज उसको ऊपर आप ले लिए बट स्टिल इट विल नॉट थ्रो एन एरर बट इट विल डिफाइन इट विल शो अनडिफाइंड, मींस इसमें इनिशियलाइजेशन नहीं मिलता है क्योंकि ये क्या होता है टॉप में चला जाता है, ये जो वेरिएबल रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी इसका इनिशियलाइजेशन टॉप में नहीं जाता, क्या जाता है उसका डिक्लेरेशन टॉप में चला जाता है विद सेम स्कोप। ओके सर, इट मीन जावास्क्रिप्ट ओनली होस्ट डिक्लेरेशन नॉट इनिशियलाइजेशन। यस नो, जावास्क्रिप्ट ओनली होस्ट द डिक्लेरेशन ओनली फॉर द वार, द वेरिएबल यू डिफाइन इनसाइड द वार, रिमेंबर। Okay. बार में कोई डिफाइन किया हुआ है तो ये क्या होगा, तो खाली डिक्लेरेशन टॉप में चला जाता है, रिमेम्बर। अभी अभी ये कहाँ पे ग्लोबल स्कोप में है कंसोल, ठीक है। अब मैं सपोज इसको मैंने सबसे ऊपर कॉल करना चाहूंगा रिजल्ट, और इनिशियलाइजेशन कहाँ पे कर रहा हूँ, नीचे, तो ये क्या करेगा, इसका इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन यहाँ पे किया हुआ है बट ये जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इसका जो इनिशियलाइजेशन है ना
वो नहीं कर, इसको होइस्ट नहीं करेगा, बट जो डिक्लेरेशन है इनिशियलाइजेशन नहीं करेगा, बट डिक्लेरेशन जो बार इक्वल टू रिजल्ट ये इंटरनली क्या करेगा, वो लेके टॉप में चला जाता है ऐसा डिक्लेरेशन खाली। तो जैसे ये कोई डिक्लेयर किया फिर उसमें कोई इनिशियलाइज नहीं किया तो क्या बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या दिखाएगा, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। क्लियर? अभी वार का होइस्ट के साथ क्या कम क्या लेना देना पता चला आपको? अरे सब चुप क्यों हो? यस सर। क्लियर? यस सर, इट इज क्लियर। वार पहले तो कहीं पे भी डिक्लेयर करो या इनिशियलाइज करो, उसका डिक्लेरेशन टॉप में चला जाता है। कोई भी वेरिएबल वो आप डिक्लेयर करते हो यूजिंग वार, देन वो टॉप में चला जाता है। बट इसमें क्या होगा कि डुप्लीकेट, इसमें क्या होगा कि इनिशियलाइजेशन होइस्टेड नहीं होता, ऊपर नहीं जाता, खाली डिक्लेरेशन जाता है। देखो यहाँ पे वैल्यू नहीं गया, खाली इसका डिक्लेरेशन ऐसे चला जाता है ऊपर। यस, और वो सेम स्कोप के अंदर, जो स्कोप वो सपोर्ट करता है वो स्कोप के अंदर ही जाएगा। जैसे मैं फंक्शन के अंदर रखा हूं तो ये फंक्शनल में टॉप में जाएगा, ना कि ग्लोबल में चला जाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा ये, राइट? बट जैसे मैंने ब्लॉक स्कोप के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा तो वो कहां जाएगा, वो ग्लोबल में चला जाएगा, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करता वो स्कोप, उसको मानता नहीं वो बाउंड्रीज। क्लियर? तो वार का होइस्टिंग के बारे में कोई डाउट नहीं है। क्लियर? अब लेटेंट कॉन्स्ट, लेटेंट कॉस्ट कॉन्स्ट कोई भी किसी भी तरीके से वो होइस्ट नहीं होता। आप सपोज इसको बार लिखा था, अभी लेट कर दोगे तो ये क्या करेगा, एरर दे देगा, पूरा सिंपली एरर देगा, अनडिफाइंड प्रिंट नहीं करेगा, एरर देगा। क्या है? रिजल्ट कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन, बिकॉज इसका इनिशियलाइजेशन होइस्ट नहीं होता, इसलिए वो एरर दे देता है, राइट? क्लियर? लेट करो या कॉन्स्ट करो, दोनों ये दोनों होइस्ट नहीं होता। क्लियर? तो जब लेट एंड कॉन्स्ट यूज करोगे तो आपको इट इज मैंडेटरी दैट फर्स्ट यू इनिशियलाइज और डिक्लेयर, फर्स्ट यू डिक्लेयर देन यू कैन इनिशियलाइज। और मैं स्कोप के अंदर भी होस्ट नहीं होगा, कहीं पे नहीं होगा स्कोप। तो पहले देखो, पहले तो जो भी होइस्ट होता है ना, वो जो सपोर्ट जो स्कोप के अंदर उसके अंदर होगा, वो बार की बात कर रहा हूँ। लेट तो कहीं पे भी नहीं होगा होइस्ट। लेट एंड कॉन्स्ट, लेट कॉन्स्ट एंड ये लेट कॉन्स्ट ये दोनों कहीं पे भी होइस्ट नहीं होगा, स्कोप में कहीं पे भी हो। ओके, क्लियर गाइस? तो फंक्शन का होइस्टिंग, जो फंक्शन एज ए स्टेटमेंट लिखेंगे हम तो वो होइस्ट हो जाता है, फंक्शन एज ए एक्सप्रेशन लिखेंगे वो होइस्ट नहीं होता, राइट? बट होइस्ट होता है, कैसे मैं बताऊंगा अभी। अभी वेरिएबल का होइस्टिंग और स्कोप पता चल गया आपको? कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। अभी फंक्शन का होइस्टिंग पता चल गया आपको? एज ए स्टेटमेंट लिखते तो होइस्ट हो जाता है, इज इट क्लियर? फंक्शन एज ए एक्सप्रेशन होता है कि नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। नहीं होता। मैं बताता हूँ क्या होता है इसमें। ओके, अभी ये सब भूल जाओ, हम भूल जाते हैं ये सब, फंक्शन के ऊपर भी फोकस करते हैं। फंक्शन की, फंक्शन का क्या करते हैं, एज ए फंक्शन एज ए एक्सप्रेशन का हम सोचते हैं। अभी ये तो पता चल गया कि फंक्शन एज ए स्टेटमेंट ये होइस्टिंग हो जाता है, क्लियर? यस सर। ठीक है, अभी इसको भी मैं निकाल दिया। चलो अभी क्या किया मैंने, इसको भी निकाल दिया। अब सिंपल ये फंक्शन को यहाँ पे एज एक्सप्रेशन डिफाइन किया और उसको कॉल किया। अब क्या देगा वो, ये होस्टिंग नहीं होता इसलिए वो एरर देता है, क्लियर? यस सर। अभी एरर क्यों देता है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये अभी ये इसको भूल जाओ। अभी यहाँ पे मैं कुछ भी डाला तो ये क्या नॉर्मल एक वेरिएबल ही है, इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करूं या फंक्शन स्टोर करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये वेरिएबल है, राइट? तो वेरिएबल yes, जब मैं लेट करके डिफाइन करता हूं तो वो हिस्ट नहीं होता, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब सपोज मैं ये वेरिएबल को वार करके किया मैंने, ओके, और इसको मैं
ये वेरिएबल को यहाँ पे कंसोल करना चाहूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एरर मिलेगा? क्या मिलेगा ये? एरर मिलेगा। नहीं मिलेगा। अभी इसमें क्या कि मैंने सर होस्ट हो जाएगा, ये होस्ट होगा, इसका इसका डिक्लेरेशन होस्ट हो जाएगा, var equal to add, मतलब ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। Yes, yes, sir. Right? तो इसका वैल्यू क्या दिखाएगा? अनडिफाइंड दिखाएगा, एरर नहीं दिखाएगा। देखो अनडिफाइंड दिखाया, बट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे फंक्शन सिंबल डाल देते, ऐसे करते ना हम। Yes, तो अनडिफाइंड के ऊपर फंक्शन सिंबल डालते हैं, इसीलिए वो क्या बोलता है, एरर देता है हमको। क्या करता है Function. अभी एड में खाली प्रिंट कर रहा था यहाँ पर, तो ये अनडिफाइंड दिखा रहा था, राइट? क्योंकि ये नॉर्मल वेरिएबल है, उसका डिक्लेरेशन होस्टिंग हो गया क्योंकि मैं वार के साथ किया था, राइट? तो ये अनडिफाइंड दिखा रहा है, बट ये अनडिफाइंड के पास मैं फंक्शन सिंबल डाल देता हूं तो ये क्या करेगा, अब एरर दिखा है, क्योंकि एड इज नॉट ए फंक्शन, बिकॉज अनडिफाइंड के बाजू में फंक्शन सिंबल डालूंगा तो क्या होगा, वो एरर दिखाता है, इसीलिए वो एरर दिखाता है। बट कंसेप्चुअली ये तो होस्ट हो ही जाता है, जब तुम ये वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करना चाहोगे आप, तो इसको क्या है कि अनडिफाइंड दिखता है, और सपोज इसको इसके नीचे प्रिंट करना चाहोगे तो इसमें क्या दिखेगा आपको, फंक्शन। देखो ये फंक्शन इसमें प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये फंक्शन को स्टोर किया हमने वेरिएबल में, ये सर नो। ये एरर क्यों देता है सर, पता चल गया? यस। अभी इसको मैं लेट करूंगा तो ये कभी होइस्ट नहीं होता, राइट? जैसे मैंने बताया लेट होइस्ट नहीं होता, तो वो आप एड लिखो या एड के बाजू में फंक्शन लिखो, एरर ही देगा, हैज नॉट डिफाइंड। तो एकदम क्लियर हो गया, इसलिए फंक्शन एज एक्सप्रेशन क्यों काम नहीं करता, वो पता चल गया आपको? यस। तो होइस्टिंग इज क्लियर, स्कोप इज क्लियर, देन होइस्टिंग एंड स्कोप फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेट, बार एंड कॉन्स्ट एंड फंक्शन, ये क्लियर सर? एक डाउट था सर, जैसे कि आपने कंसोल डॉट लॉग ऊपर लिखा था, हाँ। तो आपने बोला तो ऑटोमेटिकली होस्ट हो जाएगा, अगर हम ऐड में अगर पैरामीटर पास कर दें तो सर, तो फिर आउटपुट आएगा कैसे? आएगा, मैं वही तो बोल रहा हूँ, जैसे ये वार लिखा मैंने अभी, हाँ। वार में आता क्या, ऐड में क्या स्टोर होता है, ये फंक्शन स्टोर होता है ना, तब हाँ। जाके ये कॉल करते हैं हम। अभी जो क्या है, अभी तो पहले ये मैं रख दिया यहाँ पे ऊपर, अभी मैं ऐड वार ऐड करके रखा, राइट? इसमें ये क्या कि एक इनिशियलाइजेशन हुआ वेरिएबल में, वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज, मैं वैल्यू स्टोर करूँ या फंक्शन स्टोर करूँ, इनिशियलाइज ही कर रहा हूँ ना। तो मैंने जैसे वार करके कोई भी वैल्यू वेरिएबल डिफाइन करता हूँ तो उसका डिक्लेरेशन ही खाली होस्ट हो जाता है, यहाँ पे ऊपर चला जाता है, राइट? राइट, बट उसका इनिशियलाइजेशन नहीं जाता, मैंने बताया था आपको। तो इनिशियलाइजेशन नहीं किया तो वो दिखाएगा आपको, खाली उसका वैल्यू वेरिएबल डिक्लेरेशन चला जाता है तो हमको क्या मिलता है, अनडिफाइंड मिलता है, जो कुछ डिक्लेयर किया बट वैल्यू असाइन नहीं किया आपने, राइट? बट अनडिफाइंड वैल्यू के ऊपर मैं ये फंक्शन सिंबल डालूंगा तो क्या कैसे काम करेगा, तो एरर ही दे देगा ना, इसलिए वो एरर देता है, राइट? बट मैं यहाँ पे लेट कर दूंगा तो कुछ नहीं होगा ना वो, क्योंकि इसमें होइस्ट नहीं होता लेट में, तो पहले से ही एरर दे देगा वो। तुम एड में फंक्शन सिंबल डालो या ना डालो, इधर वैसे भी वेरिएबल ही होइस्ट नहीं होता, उसको अनडिफाइंड मिलता ही नहीं है उसको। ओके सर, एरर देखो आप, ये लिखा है cannot be accessed before initialization, मतलब ये क्या कर रहा है, ये add करके कोई variable उसको नहीं मिल रहा है क्योंकि ये declare ही नहीं हुआ है, but बार में इसको declaration hoist हो जाता है इसलिए उसको मिल जाता है, but उसका value नहीं मिलता है इसलिए वो undefined दिखाता है, clear? Yes sir. तो as a summary में यहाँ पे बताऊँ आपको, तो ये summary है, देखो क्या क्या है concept इसमें, कि functional scope, block scope, ये समझ में आया, ग्लोबल स्कोप तो सब लोग सपोर्ट करते हैं, राइट? तो फंक्शनल स्कोप, लेट, वार, कॉन्स, फंक्शन एंड क्लास, ये मैट्रिक्स है जो मैंने बताया। फंक्शनल स्कोप कौन कौन सपोर्ट करता है, वार सपोर्ट करता है, लेट सपोर्ट करता है, कौन सपोर्ट, तो फंक्शनल स्कोप में सब लोग सपोर्ट करते हैं, बट ब्लॉक स्कोप में, ब्लॉक स्कोप को वार सपोर्ट नहीं करता, बताया मैंने, बट लेट कौन सपोर्ट करते हैं, क्लियर? और एक चीज, मल्टीपल डिक्लेरेशन जो बताया नहीं मैंने, बताऊंगा फिर, होइस्टिंग ऑफ डिक्लेरेशन,
जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन जो होइस्ट वेरिएबल या फंक्शन या क्लास का डिक्लेरेशन जो होइस्ट होता है वो इन केस ऑफ बार सपोर्ट करता है होइस्टिंग, बट लेट कॉन्स्ट में होइस्टिंग नहीं होता। क्लियर? यस सर बट फंक्शन एज ए स्टेटमेंट होइस्टिंग होता है, बट फंक्शन एज ए एक्सप्रेशन मीन्स इट इज सिंपली ए वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। फंक्शन एज ए एक्सप्रेशन क्या है? वेरिएबल वेरिएबल में एक इनिशियलाइजेशन फंक्शन के फंक्शन मतलब एक वैल्यू है, इनिशियलाइज करते हैं हम। और कुछ करते हैं क्या? नहीं करते ना। बट नो सर फंक्शन एज ए स्टेटमेंट ये होइस्टिंग सपोर्ट करता है, क्लास नहीं करता है या करता है? करता है शायद, वो क्लास में देख लेंगे हम, नहीं करता है। ठीक है, यस सर। तो ये नो और यस मैं हाईलाइट करता हूं, उसको मैं देख के बताऊंगा। क्लियर? यस सर अब ये यस मल्टी डिक्लेरेशन देखो, ये मल्टी डिक्लेरेशन ने बताया नहीं, जो वार का मल्टी डिक्लेरेशन सेम स्कोप के अंदर देखो लिखा, मल्टी डिक्लेरेशन ऑन सेम स्कोप, सेम स्कोप के अंदर मल्टी डिक्लेरेशन हो सकता है? यस। लेट और कंस्ट का नहीं हो सकता। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है? ये नहीं बताया मैंने तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वेट, ये सबसे कॉम्प्लेक्स है जो समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने बहुत स्लोली समझाया तुमको। सेट देखो, अभी ये ग्लोबल स्कोप है, ये ब्लॉक स्कोप के अंदर है, ये फंक्शनल स्कोप के अंदर है, राइट? तीन चीजें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो लेट रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने वार रिजल्ट लिखूंगा तो क्या होगा? एरर आएगा। क्यों? देखो एरर आया, क्या लिखा हुआ है? ना आइडेंटिफायर रिजल्ट हैज ऑलरेडी बिन डिक्लेयर, मतलब लेट के साथ कोई भी वेरिएबल तुम्हें तुमने डिक्लेयर किया तो दूसरी बार सेम स्कोप के अंदर डिक्लेयर नहीं कर पाओगे। अभी बोलोगे ये तो सेम स्कोप में नहीं है, बट ये सेम स्कोप में आ गया। क्यों? क्यों? मैं वार डिक्लेयर किया यहाँ पे, तो ये ब्लॉक स्कोप सपोर्ट नहीं करता, इसका मतलब ये बाहर चला गया ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ था यूजिंग लेट, तो ये बार फिर से यहाँ पे जो रिजल्ट लेके आया डिक्लेरेशन, तो एरर फेक थ्रो कर रहा है। क्लियर? लेट एंड कॉन्स्ट डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल डिक्लेरेशन, सेम नेम का वेरिएबल तो मल्टीपल बार डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। कहाँ पे? सेम स्कोप में यूजिंग लेट एंड कॉन्स्ट, बट बार करूंगा तो वो सपोर्ट करता है। देखो बार कितनी बार भी करूंगा ना ये सपोर्ट करता है, ये कोई एरर नहीं देगा। देखो काम कर रहा है, ये दिख रहा है, ये 10, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे 10 लिखा हुआ था, 0 था, ये 10 किया, दोनों बार डिक्लेयर किया एंड इनिशियलाइज किया, तो जो लेटेस्ट वैल्यू इसमें ओवरराइट हो जाता है वेरिएबल में। और यहाँ पे देखो ये रिजल्ट जो सबसे नीचे है उसमें 10 दिख रहा है, यहाँ पे सपोज मैंने 1111 करूंगा तो 1111 दिखेगा, दिख रहा है? तो वार में मैं ग्लोबल स्कोप स्कैम सेम स्कोप में रखा, तो वार सपोर्ट्स मल्टीपल डिक्लेरेशन इन सेम स्कोप, बट लेट एंड कॉन्स्ट डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल डिक्लेरेशन इन सेम स्कोप। इज इट क्लियर? यस सर यस सर यस सर तो एज ए समरी आप ये देखोगे ना आपको सब पता चल जाएगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है। फंक्शनल स्कोप कौन कौन सपोर्ट करता है, ब्लॉक स्कोप कौन कौन सपोर्ट करता है, ग्लोबल स्कोप तो क्या है जो बाहर रखा हुआ है ग्लोबल स्कोप में, राइट? मल्टीपल डिक्लेरेशन कौन कौन सपोर्ट करता है, ओनली वार सपोर्ट करता है, लेट एंड कॉन्स्ट सपोर्ट नहीं करता है। मल्टीपल डिक्लेरेशन इन सेम स्कोप सपोर्ट नहीं करता है। होइस्टिंग कौन कौन सपोर्ट करता है, वार होइस्टिंग सपोर्ट करता है, लेट कॉन्स्ट करता नहीं है। फंक्शन भी होइस्ट हो जाता है जैसे स्टेटमेंट, एंड क्लास में बताऊंगा क्लास नहीं करता है शायद। क्लियर? यस सर ये वाला यस सर रेड करके रखा, मैं आपको देख के बताऊंगा, ये सब ये सपोर्ट नहीं करता, होइस्टिंग नहीं होता। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है स्कोप होइस्टिंग एंड क्या नाम था उसका, स्कोप एंड होइस्टिंग एंड डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन कैसे काम करता है। इसमें किसी का कोई भी डाउट है तो बता सकते हो आप। कौमिल
विपिन? नो सर, कोई डाउट नहीं। अब विपिन आप हो कॉल पे? नहीं है सर। तो कमिल आपको पहले पता था ये? हाँ सर, पहले मैं जॉइन हुआ था ना तब भी ये मेरे पास सारी फाइल थी तो मैंने एक बार सारी देख ली थी। ग्रेट। तो ये जो क्लास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास था। सो हम किसी को देखना है तो भी कभी भी ये वीडियो चेक कर सकते हैं।